नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम आपको एक पैरालिसिस पेशेंट से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने 61 साल की उम्र में आकर इस बीमारी को हराया है। 4 महीने का इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 4 महीने के अंदर इस एज के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट शायद ही किसी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। जब ये मेरे पास आए थे तो इन्हें तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके थे, लकवे से जूझ रहे थे, दवाइयाँ कर चुके थे, बट इनमें इम्प्रूवमेंट कुछ इस प्रकार थी कि ये चलने के लिए इनको पैर को खिसकाना पड़ता था, रगड़ता था पैर जब ये चलते थे, तो मतलब चलने में इनको बहुत परेशानी होती थी। हाथ जो था, हाथ में मूवमेंट नहीं थी, बहुत मामूली सी मूवमेंट थी, थोड़ा सा हिलता था, मगर वो किसी काम करने लायक नहीं था, किसी चीज़ को पकड़ने लायक नहीं था, कुछ करने लाइक ना होने की वजह से सियाराम जी को काफी परेशानी हो रही थी। अब हमने सिर्फ 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया है। 4 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर सियाराम जी जो अब 62 उम्र के हो चुके हैं और उनके हाथ पैर की इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी हुई है कि ये वीडियो बनाने के लिए हमें आपकी लाइक कर आए हैं। सियाराम जी, 4 महीने का आपका आपने ट्रीटमेंट यहाँ से चला है जी। हाथ पहले आपका बिल्कुल नहीं चलता था, उठता नहीं था, आप जरा उठा के दिखाओ कितना उठता है, मुट्ठी बंद करो तो आप खुद देख सकते हो। तो इसमें थोड़ी सी कंपन जरूर है, मगर हाथ की रेंज, पूरा हाथ ऊपर उठता है, सीधा उठता है, उंगलियां पूरी बंद होती हैं। जब आपका हाथ पूरा उठना शुरू हो जाता है, उंगलियां बंद होनी शुरू हो जाती है, तो इंसान, वो मरीज अपने सारे काम करने लायक हो जाता है, चाहे वो खाना खाना हो, कपड़े पहनना हो, ब्रश करना हो, कुछ भी काम जिस पर अब पेशेंट को अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। एक एज होती है 20-30 की और एक एज होती है 62 की, क्योंकि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ होनी ही होनी है। एजिंग होते होते एक बुढ़ापे की उम्र के अंदर, 62 साल की उम्र के अंदर पैरालिसिस को हराना, इसके लिए आप सोच सकते हैं शरीर को कितना काम करना पड़ा होगा। सियाराम जी, कितने घंटे चलते लोगों को बताओ नहीं? कितने घंटे आप दवाई के साथ साथ कितने घंटे चलना पड़ता है आपको? 2-3 घंटे चलते हैं। 2-3 घंटे, जब हम हर मरीज को कहते हैं कि हम जो दवाई देते हैं आपके ब्रेन में काम करती है, ब्रेन के जो वो हिस्सा जो डैमेज हो चुका है उसके रिकवरी पे काम करती है। पेशेंट को समझना चाहिए कि अब आपका जो नया हिस्सा दिमाग का काम कर रहा है उसे सिखाना पड़ता है, उसे सिखाने के लिए आपको चलना पड़ता है। सियाराम जी ने जो हमने उनको बताया, जो डाइट दी, जो मेडिसिन दी, उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि 4 महीने के अंदर आप रिजल्ट खुद इनमें आप खुद देख रहे हैं कि इनके हाथ की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है। सियाराम जी को चल के दिखा दो, हाथ पीछे कर लो, हाथ सीधे चलो, हाथ नीचे लो। अगर सियाराम जी की चाल पे अगर हमने गौर किया होगा तो वो बिल्कुल अभी परफेक्ट नहीं हो पाई, मगर ये जब 4 महीने हमारे पास पहले आए थे तो ये अकेले चल नहीं सकते थे, इनको लाइट लेके चलना पड़ता था जब शायद पहली बार आए थे, और पैर को ही घसीटते थे जमीन के साथ। अब पैर उठ भी रहा है, कदम भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप चल भी रहे हैं, और आने वाली कुछ महीनों के अंदर इनकी चाल में इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तब हो पाता है, ये जो बदलाव होते हैं किसी भी मरीज में तब आते हैं जब वो साई संजीवनी की डॉक्टर्स की जो बात होती है उसे अमल में लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हम आप लोगों से बांटते हैं ये कई हज़ारों पेशेंट को ट्रीट करने के बाद हमने सीखा है कि पेशेंट को अगर हमने ठीक करना है तो ना सिर्फ मेडिसिन चाहिए होती है, पेशेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है कि मैंने ठीक होना है। उसके साथ पेशेंट को सबसे ज़्यादा लगती है मेहनत, क्योंकि पेशेंट को अपने ब्रेन के सेल्स को दोबारा से सिखाना पड़ता है कि अगर आपने इस मसल को हिलाना है तो उसको किस तरह से आपने कमांड करना है। तो आप इसको लिख के चलिए कि पैरालिसिस का पेशेंट चाहे जितना मर्जी पुराना हो, जितना मर्जी एज का हो, वो ठीक हो सकता है, मगर पेशेंट को अपने अंदर एक इच्छा शक्ति ज़रूर चाहिए होती है, एक सही गाइडेंस ज़रूर चाहिए होती है, एक सही मेडिसिन चाहिए होती है, और जो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपने इतनी देर आपने कम से कम चलना है या इतनी देर आपने हाथ एक्सरसाइज करनी है, दोनों हाथों से काम करना है, एक हाथ से काम नहीं करना, या फिर अपना एक हाथ बांध दो, जैसे हम CIMT प्रोसीजर भी कहते हैं, अगर आपने और वीडियोज़ देखी होगी तो इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताते हैं, जो मैक्सिमम पेशेंट गलती क्या करते हैं, इन्हें इग्नोर कर बैठते हैं, और वो इग्नोरेंस पेशेंट को ठीक नहीं होने देती। तो जितने भी पेशेंट्स हैं साई संजीवनी के या फिर पैरालिसिस के, जो अपने अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं, वो पहले अपनी बीमारी पैरालिसिस को समझें कि पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, और ब्रेन इसको कैसे ठीक करता है। जब एक पैरालिसिस का पेशेंट इस पूरी चीज़ को समझ लेता है, लकवे को समझ जाता है, दिमाग की दिक्कत को समझ जाता है, तो साई संजीवनी के जो इलाज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि जो हम यहाँ बता रहे हैं वही इकलौता ऐसा रास्ता है जो पेशेंट को दोबारा चलाने को
चला सकता है। वही सीआरएमजी के साथ हुआ, 4 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर 62 की एज के अंदर इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट इसलिए आ पाई क्योंकि सीआरएमजी ने साई संजीवनी की जो बात कही उसे फॉलो किया।